दोस्तों बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वेट कैसे बढ़ाएं अपने जो जिस एक्सरसाइज को आप कर रहे हैं। देखो जैसे आज अपनी ट्रेनिंग को नोटिस करें आप, एग्जांपल के लिए मैं बारबेल कल दिखाया आपको, जैसे आज मैंने वार्मअप सेट लेने के बाद मेरा एक वर्किंग सेट है जिसमें ईच साइड 20 केजी वेट है। अब मेरे इसके 8 से 10 रैप मेरे टफ हो रहे हैं, मैं इन्हीं 8 10 रैप को 12 से 14 रैप तक लेके जाऊंगा, चाहे मुझे 2 ट्रेनिंग लगे, 3 लगे, 4 ट्रेनिंग लगे। जब वो 12 से 14 रैप मेरे टफ हो जाएंगे, मेरे 3-4 रैप बढ़ गए, अब मैं लोड बढ़ा दूंगा। 2.5 किलो बढ़ा दिया मैंने, वो उस तक 2 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, फिर वो 2.5 किलो लोड मैंने बढ़ाया है, अब वापस से आपके रैप कम हो जाएंगे, फिर 8-10 रैप टफ हो जाएंगे आपके, फिर इसको 12 से 14 रैप लेके जाना है जितनी भी ट्रेनिंग लगेंगी आपकी। इस तरीके से ग्रेजुअली आपने लोड को बढ़ाना है। या कोई भी और एक्सरसाइज है जैसे स्क्वाट्स ही है, अब ये 160 केजी के मैंने 8 रैप लगाए, अगर मैं इसी मैं जब धीरे धीरे 2-3-4 ट्रेनिंग के बाद 12 से 14 रैप लगाने लग जाऊंगा इसी 160 केजी के, तो मैं इसको 170 या 180 केजी करके फिर 8-10 रैप पे आ जाऊंगा, फिर रैप बढ़ाना शुरू करूंगा। तो जब रैप बढ़ जाएंगे तब आपने लोड बढ़ाना है। लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका रेस्ट बिटवीन सेट्स है ना, वो हमेशा एक जैसा रहे। ऐसा नहीं कि इस ट्रेनिंग में आपने 2 मिनट रेस्ट किया, नेक्स्ट ट्रेनिंग में 5 मिनट रेस्ट करके आपने रैप ज्यादा लगा दिए। उसी रेस्ट टाइम को मेंटेन रखते हुए आपने लोड उसी लोड पे रेपिटेशन बढ़ाने, ये जरूर ध्यान रखना है। रेस्ट बिटवीन सेट्स बहुत मैटर करता है। तो इस तरीके से आपने ग्रेजुअली अपने लोड को बढ़ाने पर काम करना है, यही इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग है, इसी से आपका मसल ज्यादा ग्रोथ होगा। Thank you.